हेलो, वेलकम टू द चैनल आचार्य जी ऑनलाइन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मेरे प्यारे भैया एवं बहनों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी सुलेख लिखना जानेंगे कि किस प्रकार हम लोग सुंदर हिंदी सुलेख लिखते हैं और इसका अभ्यास करेंगे घर पर। इसमें जो अभिभावक है वही हमारे भैया बहन को थोड़ा सहयोग करेंगे। और हिंदी सुलेख में सबसे पहले हम लोग को वर्ण का बनावट, वर्ण किस प्रकार हम लोग लिखते हैं, तो इस वर्ण के बारे में अगर हम जान लेंगे तो वर्ण का खूब अच्छा सा अभ्यास कर लेंगे तो हमारी लिखावट जो है अच्छी हो जाएगी। और इसके लिए हम वर्ण अभी लिख रहे हैं, वैसा अभ्यास आप घर पर सभी भैया बहन अभिभावक के सहयोग से करेंगे तो आशा है कि यानी कुछ दिनों के बाद जो है आपकी लिखावट बहुत ही सुंदर होगी। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, धीरे से लिखेंगे, एकदम धीरे से सावधानी पूर्वक लिखेंगे। क ख ख जो है हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, थोड़ा सा ये सटा हुआ रहना चाहिए इसमें। ख ग घ अंग च या इस प्रकार से हम लोग टठरा लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से तथरा लिखेंगे, तथा के बाद में फिर पफ पर हम लोग आएंगे। इस प्रकार से पफ लिखेंगे, तला देश धन्य सन्ती स छ
ज्ञान। ज्ञान ज्ञान को थोड़ा सा और चीजें व्यवस्थित भी देंगे। ज्ञान इसके बाद में आ आई हम लोग इस प्रकार लिखेंगे आ आ ह्रस्व इ दीर्घ इ ह्रस्व उ दीर्घ उ ह्रि और ठीक इसी प्रकार से हम लोग क की बारह खड़ी भी समझेंगे किस प्रकार से लिखा जाता है क की बारह खड़ी। तो क शिकार की इस प्रकार हम लोग क की बारह खड़ी जो है ऐसे लिखेंगे तब ख की बारह खड़ी ग की बारह खड़ी। और इस प्रकार वर्ण माला जो हम लोग जान जाएंगे लिखने का अभ्यास कर लेंगे तो हम लोग अब वाक्य किस प्रकार से शब्द बनाएंगे शब्द के बाद जो है किस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। जैसे एक उदाहरण स्वरूप हम लिखते हैं कमल क हम लोग समझ गए हैं कैसे लिखेंगे क कमल कमल। इसी प्रकार अगर हमको लिखना है विद्यालय तो विद्यालय को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे विद्यालय। अगर हमको लिखना है सरोज तो सरोज हम ऐसे लिख सकते हैं सरोज। एक वर्ण दूसरे वर्ण से कहीं टच नहीं करेगा टच नहीं करेगा और शिरोरेखा एकदम सीधी होनी चाहिए। शिरोरेखा हमेशा सीधी लिखेंगे श्री रेखा जो है टेढ़ टाढ़ नहीं होनी चाहिए और वर्ण जो है एक दूसरे से वर्ण जो है एक दूसरे से वे अटैच नहीं करेगा एक दूसरे से जो है वह सटना नहीं चाहिए नहीं तो
शब्द का जो है बनावट जो है वह खराब हो जाता है और दिखने में अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार से हम लोग वाक्य भी इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे भारत एक विशाल देश है, इस वाक्य को अगर हम लिखेंगे तो इस प्रकार से आप सेंटेंस के द्वारा अभ्यास कर सकते हैं। भारत माता की जय, एक विशाल देश, नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है यह यमुना नहीं तक रखेंगे हम लोग, ऐसा लाइनिंग नहीं होने के कारण जो है लाइनिंग गड़बड़ हो सकती है। अब इस प्रकार से हम लोग घर पर जो है अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के बाद जो है आप पूर्ण जब अभ्यास हो जाए पर डे जो आप 2 पेज अगर लिखेंगे तो 10-15 दिन के अंदर आपकी लिखावट अच्छी हो जाएगी। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि विद्यालय खुलने के बाद जब आएंगे तो आपके लिखावट में बहुत सुधार होगा और गृह कार्य में जो है इसको लिखेंगे और लिखने के बाद जो है आप अपने वर्ग शिक्षक के बाद जो उनका व्हाट्सएप नंबर है उस पर जो है जरूर भेजेंगे और मेरे भी व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप पर जो है आप गृह कार्य के रूप में 2-2 पेज प्रतिदिन जो है लिखेंगे और लिखने में हम जरूर बताएंगे कि सुधार हो रहा है। धन्यवाद।